राष्ट्रीय महासंघ के सौजन्य से बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती समारोह हर्षोल्लास से मनाया गया। इसी के चलते भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, जहां हजारों की संख्या में नीले रंग के झंडे लगाकर बाइक पर सवार युवक और घुड़सवार राहगीरों के लिए आकर्षण का विषय बन गए। राष्ट्रीय महासंघ के सौजन्य से अम्बेडकर चौक महान गंज में अंबेडकर की प्रतिमा का सुपोल के सांसद दिलेश्वर कामत एवं पूर्व विधायक यदुवंश कुमार यादव ने संयुक्त रूप से प्रतिमा का लोकार्पण किया गया। शोभा यात्रा का नेतृत्व राष्ट्रीय युवा महासंघ के अध्यक्ष इंजीनियर एल के निराला घोड़े पर सवार होकर कर रहे थे। रैली पुणे अंबेडकर चौक पर पहुंचकर सभा में तब्दील हो गई। अंबेडकर जयंती समारोह की अध्यक्षता राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित पंडित रामविलास मेहता ने किया। मुख्य वक्ता के रूप में राष्ट्रीय कर्मचारी संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष इंजीनियर हरीश चंद्र मंडल एवं जवाहर नवोदय विद्यालय सुपोल के शिक्षक डॉक्टर हरिलाल मौर्य उपस्थित रहे। समारोह को मुख्य रूप से डॉक्टर रमेश प्रसाद यादव, रामचंद्र मेहता, जिला परिषद सदस्य पूनम कुमारी, छात्र नेता गोलू यादव, रंजित पासवान, रामलखन भारती, संजय यादव, वीरेंद्र यादव, भाजपा नेता नरेंद्र ऋषि देव, पवन अग्रवाल, जदयू नेता संजय अग्रवाल, राजद के जिला अध्यक्ष रामनाथ मंडल, प्रखंड अध्यक्ष जगदेव राम धीरेन्द्र यादव, जिला मुखिया संघ के सचिव राजेश कुमार यादव, वाम दल के नेता कॉमरेड जय नारायण यादव, रघुनंदन पासवान, अशोक यादव, लौजत के ई विद्याभूषण यादव, जाप के छात्र नेता गौतम आनंद, कांग्रेस नेता कांग्रेस कौशल यादव, कवि महेंद्र यादव, राष्ट्रीय युवा महासंघ के कार्यकर्ता शंभू यादव, दिलीप यादव, राजेंद्र पासवान, मोहम्मद सनाउला आदि ने भी संबोधित किया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से संजय कुमार, चिंटू कुमार मेहता, रूपेश कुशवाहा, वीरेंद्र राम, रंद किशोर यादव, आनंद सरदार आदि मौजूद रहे। पप्पू आलम की रिपोर्ट।